आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर डॉक्टर शारदा जिंदगी की जंग हार गई है। बता दें कि कोविड काल में प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सेवा दी थी। लोहिया संस्था की डॉक्टर शारदा का निधन हुआ और उनका लंग्स ट्रांसप्लांट नहीं हो सका। लंग्स फेलियर के बाद एलिफ के जरिए उन्हें हैदराबाद इलाज के लिए भेजा गया था। एक लंबी लड़ाई लड़ी है डॉक्टर शारदा ने, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गई। सीएम ने उनके इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपये दिए थे और लेकिन उनका लंग्स ट्रांसप्लांट नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो लोहिया संस्थान की डॉक्टर हैं शारदा, जिनका निधन हुआ है। चलिए इसे